और क्या कहूं जिसको बोलता है सौजन्य संपर्क, माना नहीं किया। महाराज को खबर दी, अरे महाराज ऐसे गोविंद महाराज आया हुआ है माधव महाराज के स्थिति, उसी स्थिति में भी महाराज बुला लिया आनंद आनंद। कितने स्नेह है, और कहीं ऐसे जाते तो शायद बोले थे अभी समय नहीं है बात में आने को, ऐसे बोल देते। बहुत जगह मैंने इससे ठक खाया, बहुत जगह जाकर के घंटों घंटों बैठना पड़ा, मिल नहीं पाते, दुख की बात को बताने के, लेकिन महाराज थोड़ी देर बैठा के तुरंत पहुंचा। सबको मालूम है, प्रभु जी को भी मालूम है, महाराज जी से जाकर के दुख की बात बताए, महाराज ऐसे ऐसे स्थिति में मैं फंसा हूं, आप क्या हूं। महाराज जी तो जैसे उपेक्षा के जैसे बात करते, आप तो मेरे से कुछ होगा नहीं। वो राजेश था, राजेश भी आने, और एक डीएम यहां के था, हमारा भक्त था, वो भी बदल होके चला, आप कैसे होगा मेरे से कुछ। मैं तो हताश हो गया, अब क्या होगा। परम आश्रय है, वो ऐसे बोल दिया। ये प्रभु जी बैठे हुए हमारे, इनकी दया हुई मेरे ऊपर। बोले महाराज जी चलो आपको मैं रास्ता बताता हूं, मथुरा में एक निर्देश दिया उन्होंने, वहां चलो। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, मेरा मन उदास। अंतिम गुरु जी ने पूज्यवाद महाराज जी ने यही वाणी कहा था, गुरु वैष्णव भगवान को स्मरण कर सब ठीक हो जाएगा। बस मैं हताश होकर के जा रहा था, ऐसे सोचते 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 जाते जाते जहां घटना स्थल है थाना में जाकर पहुंचा। कहते हूं क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। वहां जाते ही जिनके साथ चल रहा था उनसे मिला, मिलने के बाद थोड़ा से मन में आ गया मेरे को, बोले इससे थोड़ा बात करके तो देखो क्या बोल रहा है। मैंने कहा बोले देखो अगर तुम ऐसे केस करोगे आपको हर तारीख में वहां आना पड़ेगा, आप चाहे विदेश रहो चाहे कहीं रहो आना पड़ेगा। तो घबरा उन्होंने बोला नहीं मेरे दर तो संभव नहीं, तो संभव नहीं है, कुछ एक कॉम्प्रोमाइज कर लो। हाँ हाँ वो तो हो सकता है करो, फिर कॉम्प्रोमाइज हुआ, बात हुआ, पुलिस के पास लिखा करके सब कुछ करा करके उसके बाद छुट्टी हुआ। तो मुझे ये स्मरण आ रहा था जैसे गोपीनाथ पट्टनायक को चांग में चरा रहा था उस समय, सब लोग जाकर के महाप्रभु जी के पास बार बार बेर बेर निवेदन प्रार्थना किया था, लेकिन महाप्रभु ने क्या कहा था, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे से कुछ होने का नहीं, तुमको कुछ करना हो कुछ बोलना हो तो जाओ जगन्नाथ के पास, जगन्नाथ जी जो करेंगे। इसी प्रकार से कोई महाराज जी ने मुझे इतना ही कह दिया था गुरु वैष्णव भगवान का स्मरण करो सब ठीक हो जाएगा, पहुंचते ही ठीक हो गया।
यहां से वहां तक पहुंचा। उस समय मेरा दिमाग कहां था मैं नहीं जानता हूं, मेरा पाँव कहां गिर रहा था, कैसे स्थिति में था, क्या कैसे पहुंचा एकदम से ऐसा। इस प्रकार से एक बार नहीं बहुत घटना में हमारे विनोद पानी गौरी मठ के कितने घटना में महाराज जी सहायता करते रहे। अपने सेवकों को भेज करके जाओ देखो वहां की क्या हो रहा है, गोकुल के परिस्थिति में कितना घटना है, महाराज जी सबसे पहले वहां खबर सेवक भेजा, भेज करके सब खबर। हम तो वृंदावन में बैठे हमें खबर ही नहीं है क्या हो रहा, लेकिन महाराज जी वहां खबर भेज करके फिर हमको खबर दिया। ऐसी स्थिति तो ऐसी ऐसी घटना है। तो महाराज जी हर मठ को गौरी मठ मात्र को ही वो अपना समझते, बिल्कुल भेद बुद्धि नहीं रखते थे उनमें। उसके लिए कुछ भी करना हो महाराज बिल्कुल तैयार थे। तो ऐसे जो महान आश्रय, ऐसे महान आश्रय से हम अब वंचित हो गए। कृष्ण हरि कृपा करी दिया सिर्फ संग स्वतंत्र कृष्ण इच्छा संग कोई भंग। तो महाराज जी के महिमा तो कहा क्यों हूं, ये तो आपको सामने ही दिखाई दे रहा है। मठ में सारे विश्व को कृष्ण नाम से प्रभावित कर रहा है, सबको नाचा रहा है, सबको आकर्षण कर रहा है, सबको अनुप्राणित कर रहा है। तो ऐसे महापुरुष आप उनके चरण कमल में आज आविर्भाव तिथि में मैं केवल मात्र दंडवत प्रणाम करते हुए पुष्पांजलि स्वरूप अर्पण करते हुए मैं आपने आज को ही विराम देता हूँ। मंशा कल प्रवेश अभी अभी कुछ बात भक्ति विकास गोविंद महाराज जी बड़ा सुंदर भाव बता रहे थे महाराज जी का किस प्रकार से सभी के प्रति प्रेम ममता, सभी के दुख में दुखी और सुख में सुखी होते थे। एक उनका अप्राकृत गुण है, बिल्कुल कृष्ण के समान। कृष्ण अकेले हैं लेकिन जो सखाओं के मन में बैठे हैं तो ऐसा लगता था कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण केवल मुझे ही देख रहे हैं, कृष्ण केवल मुझसे ही बात कर रहे हैं। वो भी जब इस गोपीनाथ भवन में मथुरा या गोवर्धन कहीं भी सभा में बैठे होते हैं तो उनके अनुगत जनों को सबको ऐसे लगता है गुरु जी मेरे सामने। और उनकी एक और विलक्षणता थी कि लाखों के बीच में कौन कहां सबको देख लेते थे और कोई नहीं है तो बता देते तो क्यों नहीं आया क्या बात है, गिन नहीं सकते, लेकिन उनमें भी सबको ढूंढ निकालना एक विलक्षण होगी थी। और सबसे प्रीति, क्योंकि प्रेम का तात्पर्य ये नहीं होता कि उसको एक सीमा में बांध दो, एक घर में उसको बंद कर दो। जो केवल एक सीमा में एक जगह में प्रेम को बांध देता है स्वार्थी होता है। राधा कृष्ण को प्रेम को देख के कहीं प्रेम को सीमा में नहीं बांधते। राधा रानी के अंदर में यदि कृष्ण के प्रति प्रेम है, सेवा की वृत्ति है, तो वृत्ति सारे दासियों मंजरियों और सखों में बांट देती है। रात्रि में जब अंतर ध्यान को गए और देख रहे कृष्ण हमें बहुत सम्मान दिए, मैं श्रेष्ठ हूँ प्रमाणित हो गया, तो बाकी सखियों को भी बुला रहे और वहां बहाना बना करके कहा कि मैं नहीं जा सकती, मुझे ले चलो, कृष्ण चले गए, फिर गोपी गीत पर फिर सब आए और सब मिल करके उस प्रेम का स्वागत किया। महाराज जी यही हमें दिखाए कि भगवत राज का जो वस्तु है बहुत बड़ा है, विशाल प्रीति है और इस प्रीति को जितना बांट सकते जितना लोगों में दे सकते हैं उतना ही अपना भी आनंद है और जीव का भी आनंद है। यदि सोचे प्रेम एक आध्यात्मिक वस्तु कोई अप्राकृत वस्तु को बस अपने अपने अनुभव कर लेंगे जान लेंगे और इसको और किसी को देने की जरूरत नहीं है तो वास्तव में वैष्णव राज में प्रवेश ही नहीं किया, वैष्णवता नहीं जानते। तो परस्पर मिल करके मत जीतना मन में पुराना बोधयंत परस्परम, वो जो परंपरा गुरुवर्गो ने दिया आज हम यहाँ देख रहे हैं कैसा भी एकत्रित होकर के उन्हीं के उपदेश आदि आदेश को मान करके एक जगह बैठे हुए हैं और उसी कथा जो को प्राप्त कर रहे हैं। मैं अधिक न करके आज की सभा के जो सभापति महोदय कुछ बात ओम विष्णुपाद अष्ट भक्ति गोपालंद बनो है।
गोपालन बन महाराज जी वो अपने अच्छे भाषण के द्वारा हम सबों को आशीर्वाद दें और हम लोगों ने अगर कोई बचकाना भूल त्रुटि की है उसका भी संशोधन करें, क्योंकि अब हमारे वही गार्जियन के रूप में विराज रहे हैं, हमें संशोधित करके इस मार्ग को अग्रसर कराएं। और इसी के साथ सभा यही विश्राम होगा महाराज जी के भाषण के बाद, और सभा के विश्राम के बाद कुछ महाराज जी को सम्मान चादर वगैरह जो है यही दे देंगे, उसके बाद आरती आरंभ होगी, उसके बाद मेरे भक्तों से ठीक से नहीं हो पाएगा, उसके बाद आरती महाराज जी का पहले आशीर्वाद ग्रहण करें। संपन्न गुरु का करुणा
कृपा की विचार आज हमें होना चाहिए। कैसे विचार करेंगे, विचार कौन सी वस्तु से करेंगे, तो पूर्व आचार्य पूर्व महाप्रभु के पार्षद महाजनों की सिद्धांत जो उन्होंने हमें साधन की पद बतलाए हैं, उनकी जो पद है उसी को लेकर कहीं अपना गुरु भक्ति का विचार आज स्थापित होना है। वक्तव्य तो बहुत लोग बहुत कुछ वक्तव्य रखते हैं, मैं नहीं, राधा दास्य की बात हुई थी, ये वर्ष की एक स्वभाव है राधे राधे, लेकिन साधन भक्ति की साधन की रीति की पथ हमें कौन दिखाया, गुरु और शिष्य, गुरु के पास क्या प्रश्न और गुरु क्या उत्तर देते, तो ये चैतन्य चरितामृत में है सनातन शिक्षा दे, वहां से आपको शिक्षा लेना है, वहां से साधन पथ लेना है। जब हम गुरु की महिमा कीर्तन कर सकते हैं, गुरु की जो बहुत प्रकार की महिमा है, भाषा से उनकी कह नहीं सकता, भगवान जी जिनकी महिमा कीर्तन नहीं कर सकता है, हम लोग क्या करेंगे गुरु की महिमा क्या करेंगे। तो हमें पहले संबोधन जो हम करते हैं राधे राधे, कहां राधे और कहां मई, विचार होना चाहिए ना, राधे राधे कहने से ही राधा दास्य नहीं हो सकता। सनातन प्रश्न इसलिए प्रश्न किए चैतन्य महापुरुष ने कि मेरा स्वरूप क्या है, महापुरुष ने क्या बोला, जीव कृष्ण नित्य दास, इसलिए हम गुरु के पास आया, गुरु वरण किए, गुरु हमें क्या देंगे कि तुम भगवान की नित्य दास हो, वो दास विस्मृत हो गए हैं, इसलिए माया मोहग्रस्त किया है, माया से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को प्राप्त होकर के माया से मोहित होकर के ही हम भटक रहे दुनिया में। तो यदि मामी का प्रभत जल थे, यदि हम गुरु की चरण में शरण ग्रहण करें तो क्या होगा, अभी ठाकुर महाराज बताए थे, गुरु वाक्य चिंतित करी ऐक्य आर ना करी हम न्यास, हम लोग गुरु व्रत किए हैं, गुरु मंत्र लिए हैं, हरिनाम गुरु दिए हैं और कृष्ण मंत्र काम गायत्री, गुरु गायत्री गौर मंत्र गौर गायत्री, तो इसको हम कैसे जप करेंगे स्मरण करेंगे, अगर इसको स्मरण करें जप करें तो उसका लक्षण तो होना चाहिए, जप करते रहते हैं लक्षण कुछ भी नहीं है तो कैसा है, थोड़े समय में समय तो नहीं है इसकी विस्तार कर नहीं सकता, तो गुरु क्या देने के लिए आए, गुरु इसी वस्तु को देते हैं। एक समय प्रश्न की थी एक महाराज से हमारा गुरु पर कि हमें भगवान को मिलेंगे, भगवान तो तुम्हें मिल ही गया है, बोले कहा भगवान, बोले गुरु जो हरिनाम दिया है वही तो गुरु है भगवान है, हम तो देखते नहीं है, बोले देखो बेटा जरा सेवा तो करो, सेवा करते रहो जब करते रहो तो देखोगे, तो सेवा ही नहीं किया तो कैसे देखोगे, भगवान को सभी हम लोग चाहते हैं
भगवान हमारे सामने खड़ा है, पहचाने नहीं कैसे गुरु भगवान के लक्षण तो आप जानते नहीं है भगवान कैसा है, तो क्या करोगे? भगवान को चाहते हो, भगवान तुम्हारे सामने खड़ा है, पहचानते नहीं है, तो क्या करोगे भगवान को? भगवान को जो हरे कृष्ण करते हो तो हरे कृष्ण तो ये कृष्ण आए साक्षात, लेकिन सेवा तो नहीं कर रहे तुम लोग, तो साधना स्मरण लीला यहां तक ना करो है ना, काय मन लहरे शरण, ये शरण की बात गीता में भी पहले अर्जुन को बोला, तो हमें शरण नहीं है, हम शरण के बाहर है, क्यों ना इस शरीर में ही भोगना चाहते हैं, यही मैं हूं और ये सब मेरा है, मैं इस दर्शन किया हुआ वस्तु ही हम चाहते हैं, क्या हमें धन मिल जाए, जान मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, हम इस शरीर से भोगेंगे, इतना ही हम लोग जानते हैं, लेकिन अपने स्वरूप विक्रांत हो गया, इस स्वरूप का उद्घाटन चैतन्य महाप्रभु ने शरदा गोस्वामी को धर्म कर, तो श्री गुरु चरण, श्री गुरु चरण उस समय हमारे हृदय में विराज करें, गुरु को गुरु मुख को चित्त दे करिया, यदि हम गुरु की आदेश का पूरा पालन करें, कृपा बिंदु दिया करो यशित्री ना प्रक्षा होती तबे तो कहीं को हरिनाम सुखी अपराध हो पाए, कृपा यदि गुरु की कृपा हुआ तो क्या होता है उस समय तृणापेक्षा नीचे हो जाता है, तीर्ण से भी नीचा, तीर्ण तो नीचे कैसा होगी, तो बोले वृक्ष जैसा सहन करते हैं, तो वृक्ष सहन करते हैं, शायद कर लेते हैं, हम पत्ता तोड़ते हैं, डाल तोड़ते हैं, वृक्ष हमें कुछ कहते नहीं है, शायद करते हैं, बोले इससे नहीं होगा, शायद करने से भी नहीं होगा, तो कैसा करना चाहिए, तिना अपेक्षा तीन अपेक्षा शायद और तोरोरी वो तोरु से भी तोरु शायन करता है ना, तो उससे नहीं होता है, तोरु से भी तोरु से और क्या करना है, त्रिण तोरु तोरोड़ो भी सहिष्णु, मतलब हम कृष्णदास और कृष्णदास को कृष्ण सेवाई करना सदर्भ निधनम श्रेय, ये कृष्ण और शिवा के लिए जो भी कुछ करना है, जो भी गुरु हमें बतलाए हैं उसके बाहर हमें कुछ नहीं करना, तब हम राधे राधे कह सकते हैं, तब राधा जी हमारे आश्वासन देंगे कि हाँ तुम इस ब्रज में रहकर के सेवा कर सकते, उससे पहले हमें कृष्णदास में कृष्णदास हो तो क्या कहना चाहिए कि हमें नवद्वीप धाम आश्रय करके नवद्वीप के जो गौर नित्य अंदर निताय जय गौर ये हरे कृष्ण ये कहना चाहिए, हम वृंदावन में आ गया राधा दासी बन गया सहज नहीं है, पहले तो हम गोहरदास बने, जय निताई जय गौ ये कहना चाहिए, जब जय निताई की कृपा होगी हेनो निताई मीने भाई राधा कृष्ण पाई देना, इसको कहने के लिए गुरु
ये नारायण महाराज जितने भी हमारा गुरु वर्ग है जिनके महिमा हम कहेंगे इसलिए आए हैं। क्या लेके आए हैं? तो ब्रज की प्रेम घर को लेके अवतीर्ण हुए थे, तो किसान लोग बाजार में अपना खेतों का जो फल है उसको बाजार में आमदनी करते हैं, बेचते हैं। तो गुरु भी किसान ही है। वृंदावन में, ब्रजधाम में जो उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? प्रेम धन। तो उस प्रेम धन, इतना प्रेम ब्रज में जगह नहीं है, रटने की जगह नहीं है। तो उस प्रेम धन को वितरित करने के लिए स्वयं कृष्ण वाले जी नदिया में अवतरित हुए। ये धन किसको? जो जीव मुझे भूल करके माया दास्य हो गया, माया की सेवा कर रहा है और हमसे मांगता है धन चाहिए, जन चाहिए, संपत्ति चाहिए। तो भक्त यहां में देख, भक्त कैसा गुरु के पास क्या मांगे थे कि न धनंग न जनंग न सुंदर जगत, धन नहीं चाहिए, जग नहीं चाहिए। क्यों? अरे भगवान कहते लो लो दाता, भगवान के अभाव नहीं है। भक्त कहते नहीं चाहिए। बोले नहीं चाहिए कैसा? अरे तुम मेरा भक्त हो तो हम दाता है, हमारे सब कुछ है, तुम लेते नहीं है तो क्या चाहिए तुम्हें? बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ नहीं चाहिए ऐसा नहीं होगा। गुरु क्या कहते हैं उसको समझना चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए कैसे होगा? नहीं नहीं, जब तुम हमारा भक्त है, हमारा सेवक है, तो हमसे कुछ लेना ही चाहिए। तो लेना कौन वस्तु? तुम दोगे कौन सी वस्तु? हम कौन सी वस्तु लेंगे? यही भगवान वेदव्यास कहते हैं, अरे प्रहलाद जी मांगो मांगो। प्रहलाद कहते नहीं, अरे नहीं। तो तुमने क्या कहा कि तुम देना चाहते हो? हम जैसे तुम्हारे प्रिय भक्त हैं तो तुम्हारे चरण बिना और दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहिए। तुम्हारे चरण छोड़ के और दूसरे कोई वस्तु नहीं चाहिए, हम तो तुम्हारे चरण के ही जाते हैं। यदि हम भगवान देना चाहते चलो कल काल तक, एक कल्प काल तक प्रहलाद जी ने राज किया था, राज भोग किया था, उसी को सुन करके यदि हम कहें कि प्रभु से मांग ले तो भक्त नहीं रहेंगे, उस समय बानिया बन जाएंगे। तो हेतु है, और भक्त तभी बन सकता है तो उसे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं कि इस दुनिया को कैसे उद्धार करेंगे? ना आपने भक्ति का स्वरूप भक्त उसी को प्रेरण करके ही इस अतिथि बहु की कल्याण मंगल करते हैं, उसको अपना स्वरूप को उद्घाटन करके गोरधाम की सेवा पहले और उसके बाद गौर की आचरित चरितामृत श्रवण करके, श्रवण कीर्तन करके ही ब्रज की सेवा प्राप्ति हो सकता है। राधे राधे तभी कह सकता है जब हम गौर दर्श पाए। तो इसलिए गौरी गौरीगण परम आराध्य लिप्त लीला प्रविष्ट भक्ति सिद्धांत दर्शन श्री गोस्वामी ठाकुर मायापुर में प्रकाश हुए थे और उनकी ऊर्जाई उनकी प्रिय भक्त होने के भेदक अपना शक्ति का प्रकाश करके आज सारा विश्व भी कृष्ण नाम की विस्तार किए हैं। आज उसी गौरी धारा में परम पूज्य नारायण महाराज हमारे
परम करुणामय कृपा करके देनी देश विदेशों की सब लोगों को हरी कथाओं को श्रवण करा करके उन्मुख किया है। आज हमारी समक्ष उन लोग आज गुरु की महिमा कीर्तन करके अपना जीवन का धन्य कर रहा है। इसी प्रकार आज वहां महाराज जी की आविर्भाव तिथि में हम उसकी महिमा क्या कीर्तन करेंगे। यदि वो अपने स्वयं सकरुण होकर के हमारे प्रति दृष्टि प्रसन्न करें तभी हम कृतज्ञता हो सकते हैं। उनकी चरण में यही प्रार्थना है कि हम ये साधन भक्ति से इच्छुक होकर के दुनिया में भटकते नहीं रहे कि हमारा साधन बल साधन स्मरण लीला यादें ना करो हेला कायम होने लहरे शरण ये हमें अटूट रहे और उनकी कृपा से हम आगे बढ़ सकते हैं। यही प्रार्थना उनकी चरण में आ जाए। महाराज जी के आशीर्वाद हमने प्राप्त किया और बड़े सुंदर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए सभा को संहार किए कि बिना गौर कृपा राधा रानी की कृपा दासी को प्राप्ति नहीं होता। गौर प्रेम रसानवे से तरंगे देवा डूबे से राधा माधव संतर जथा जथा गौर पदार बिंदे बिंदे च भक्ति कृत पुण्य राशि तथो तथो सर्पतीर्थकस्मात राधा पदाम वंशुधाम विराजमान। महाराज बहुत सुंदर आशीर्वाद दिए और अगर गौर के चरण में प्रेम हो जाएगा तो राधा दास का राधा प्रीति को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई राधा रानी को पाया और गौर को नहीं समझ पाया तो फिर राधा रानी से बहुत दूर हो जाएंगे, समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि आराधितम नम पनम ब्रज काननम से नाराधितो नम पनम ब्रज एव दूबे आराधितो दिज सुतो ब्रज नागर से नाराधितो दिज सुतो न तवे कृष्ण। ये हमारे रूपानु गौड़िया के सिद्धांत है वैशिष्ट है। हम लोग गौर के भोजी है मनर कहन गौर कथा। महाराज ने गौर कथा के माध्यम से आशीर्वाद देकर हम लोगों को धन धन कर दिया और हृदय में एक आशा की किरणें जगा दी। अगर गौर महाप्रभु कृपा हो जाएगा तो सब संभव है, अन्यथा वंचितोस्मि 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 न संशय विश्व गौर रसे मग्नो स्पर्शा की ममा न भवत ऐसे कहते अपने वचन को विराम देता हूँ। वंशा कल्प स्वरूप कृपा सिंधु पतिता नाम पाद अच्छा एक विशेष सूचना है। हम लोग प्रतिदिन व्रत गौड़िया वैष्णव सारस्वत संघ प्रभुपाद जी के उपलक्ष्य में उनके अविभव तिथि के उपलक्ष्य में किसान तिथि का हम आयोजन करते हैं और इस बार यह विनोद वाणी गौड़िया मठ में आयोजित हुआ है जहाँ पर अब सभी लोग 21 तारीख को सायंकाल में 3 बजे उपस्थित होंगे। 4 बजे वहाँ से नगर संकीर्तन निकलेगा और 22 तारीख को पुष्पांजलि वैष्णव सेवा आदि सब है विनोद वाणी गौड़िया मठ में। तो आप सभी ध्यान रखें 21 को नगर संकीर्तन 3 बजे वहाँ सब उपस्थित हो और 22 तारीख को फिर जल्दी से जल्दी उपस्थित होकर के वहाँ पर पुष्पांजलि आदि में अपना अंश भाग ग्रहण करेंगे। ये अपने गुरुपाद जी के क्योंकि हमारे मूल वही है, वही रूप सनातन को सही पाकर कृतियों को धारण करके हमारे तक लेके आए हैं रूप सनातन कृति धर्म। नहीं तो कृति वही वही रह जाती अगर गुरुपाद जी उसको आगे नहीं बढ़ा। कृति जस तो जीवन दी भले वो दर्शन हमें साक्षात नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी उनकी महिमा जस हमारे सामने आज गुरुपाद हमारे बीच में जीवित है। क्योंकि जिनकी महिमा जिनका जस जीवित रहता है वह जीवित गुरुजन आप प्रकट हो गए और सब नाम चाहे गुरु जी को सही बात नहीं दिखाई पड़ रहे उनका गोपाल से उनका भक्ति रसन सुनने सब पढ़ने से आज तो हमारे पैसे में मध्य और मुख्य चल रहे ऐसा तो मन क्योंकि भगवान भगवान भक्ति की वाणी उन्हीं को समान जो बाजी में हमारे मन में और आज भी कृपा कर रहे हैं सब एकत्रित कर लिए हैं और एक साथ हम मिलकर कितना सुन रहे हैं सब करते हैं ऐसा पहले सुनने को नहीं मिला और आगे ऐसा होता रहेगा। मूल आधार है मूल जो
प्रभु साई महाराज जी का तीर्थ गुप्त में अंदर से उन्होंने अपना निवेदन रखा था और कितना सुंदर रखा उसका अपना अध्यक्ष है सारंसक रूप से पुत्र गोवर्धन पाल महाराज जी की अग्निवती जी का पालन हो रहा है तो मायापुर में हमने इस प्रस्ताव को रखा था कि वृंदावन हमारे सारे भारत की दुष्ट स्थान है सबसे बड़ा श्रेष्ठ स्थान है तो प्रभु भक्ति के अग्निभक्ति जी सभी मठ लोग मठ के लोग मिल करके यदि हम सात दिन वृंदावन में पालन करें तो सारा दुनिया में प्रचार हो जाएगी प्रभुवत बोले अभी प्रभुवत सब मठ में पूजित होते हैं लेकिन यही प्रभुपाद मूल है साधारण समाज नहीं जानते साधारण समाज की हम लोग जानते हैं भीतर की जो हम लोग मठ के आश्रित है ये लोग जानते हैं इसके बाहर की साधारण समाज वो नहीं जानते सरस्वती ठाकुर कौन है तो इसलिए हम चाहते थे प्रस्ताव भी रखे थे राजी भी हुआ था हमारे भक्ति वल्लभ चिंत महाराज उन्होंने प्रस्ताव की थी कि प्रभुपाद की आविर्भाव स्थान से शुरू हो जाए तो वो नहीं हो पाया उन्होंने बोला था अभी देखिए ये वृंदावन में उनका ही जो मठ है एक वहां मथुरा रोड पर एक कालीधा पर तो ज्यादा से ज्यादा समय वहीं इस अनुष्ठान को पालन होता है तो भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज ने इसको शिकायत किया था और नारायण महाराज को भी हमने बोला था कि आप सब मिलकर के एक सात दिवस वृंदावन में अनुष्ठान करें तो उन्होंने राजी भी होगा था लेकिन उनकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं थे स्वास्थ्य के कारण वो उसमें योगदान कर नहीं पाया इस अनुष्ठान को स्थगित नहीं कर पाया जो हो रहा है तो आप सब मिलकर के यदि प्रशंसा करें तो हो सकता है इसलिए आप सबसे निवेदन है कि विगत वाणी में जो अनुष्ठान होने जा रहा है इसमें सब लोग योगदान करके इसको बढ़ाया जाए प्रसारित किया जाए जिससे हर साल हम सब मिलकर के और हमारे गौरी मठ के बाहर के जो विद्वान व्यक्ति है साधारण समाज को खुला करके उनके सामने प्रभुपाद की महिमा का प्रचार किया जाए कीर्तन किया जाए अनुष्ठान किया जाए तभी प्रभुपाद के देह तो हम घर घर में आज यहाँ अनुष्ठान हो रहा है कुछ अच्छे अच्छे भोग लगा रहे हैं हम प्रसाद पाएंगे चले जाएंगे उसने हुआ क्या कुछ नहीं तो साधारण समाज में उनकी महिमा पहुंचाना चाहिए आज देखिए रामकृष्ण देव का रामकृष्ण ठाकुर रामकृष्ण देव उनकी महिमा कितना है विवेकानंद जी का महिमा कितना है आज हमारा सरकार की उसकी पालन करता है हमारा प्रभुपाद को नहीं करता जिन्होंने सबसे ऊंचा काम किया है विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से भी भारत सेवा आश्रम से भी बहुत ऊंचा काम किया जो वो लोग कर नहीं पाए वो लोग क्या करते हैं कि हमारा बीमार होता है तो कुछ दवाई देते हैं और कोई पढ़ नहीं पाता तो पढ़ा देते हैं लेकिन पढ़ करके भी स्कूल कॉलेज में पढ़ करके भी वो भगवान की भजन कहां कमा देखाते अपना संसार करते लेकिन सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने जो उसको दिया है इससे क्या होता है कि हमारा दोनों तरफ का हो इधर इस जीवन में भी हम कमा खा सकता है और पर जीवन के लिए भी हम अपना स्वरूप को प्राप्त कर सकता है भगवान की सेवा की प्राप्ति हो सकता है इसके सरस्वती ठाकुर जो हमें रास्ता बताए हैं वो सबसे ऊंचा है इसलिए उनकी अविभक्ति जी का पालन सब मिलकर के करना चाहिए जिससे कि आम जनता के पास उनकी महिमा पहुंच Thank you.
गुजरात में इंग्लिश में अंग्रेजी में उनका सब वैष्णवों का लेख है, जितने गुरुपाद जी का, भक्ति विनोद ठाकुर जी का और जितने भी गुरु है उनसे लेकर के और उनके शिष्यों का शनि का इसके अपना अपना भाव उनके पुष्पांजलि है। और एक महीना के अंदर में यहाँ पर शनि माता जी वैजयंती दीदी और कई लोग मिल करके और सब माता जी लोग का तो नाम नहीं जानते, लेकिन एक महीना में एक इतने विशाल बुक को उन्होंने बना दिया, उनके ऊपर गुरु जी की विशेष कृपा है। और गुरुदेव के चरणों प्रार्थना करूँ, उन्होंने गुरुदेव और ऐसे उत्साह दें, ऐसा सामर्थ्य दें कि और गुरु जी के महिमा को अधिक से अधिक रूप में विस्तार करें। अरे यहाँ मैं कुंडल महाराज जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। नारायण लक्ष्मी महाराज की जय। आविर्भाव वैष्णव महामहोत्सव की जय।